मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मुझे उठ करके बकायदे से घर का काम करना चाहिए, पर मुझे ना लेजी फील हो रहा है। नाश्ता खत्म करते ही जनरली मैं एकदम से जोश में उठ जाती हूँ, फटाफट सारा काम करती हूँ। आज पता नहीं क्यों, मौसम की वजह से या ऐसे ही, अब मेरा मन कुछ नहीं करने का कर रहा है। और ये बड़ा मुश्किल है, राइट? ऊपर से प्रेशर नहीं है किसी काम पर, कहीं जाना नहीं है, और आज लकीली कोई काम भी ऐसा नहीं है जिसको करने के लिए मेरे को फटाफट घड़ी के साथ चलना रहे, तो अब मन नहीं कर रहा है। ऐसा होता है क्या आप लोगों के साथ? अब मैं बस ना काम चोरी करने का बहाना ढूंढ रही हूँ कि क्या क्या काम स्किप कर सकते हैं, वही मैं सोच रही थी। एक्चुअली हुआ क्या ना, कल ना मैंने दो बार झाड़ू भी कर लिया, मतलब सुबह किया ना, शाम को मैं शूट कर रही थी तो उसके बाद थोड़ा घर मैसी हो गया। तो घर ठीक करने गई ना, तो मैंने 4 बजे के आसपास में पूरा घर को फिर से झाड़ू कर दिया, डस्टिंग कर दिया। तो अब मुझे घर चमचमाता हुआ वैसे ही दिख रहा है। तो मैं मनी मम्मी सोच रही, झाड़ू तो किया हुआ है, पोछा स्किप मार देते हैं, बर्तन धुल गए हैं, करना क्या है, कुछ काम नहीं, लंच ही बनाना है। और लंच में भी मैं सोच रही हूँ कि क्या स्किप मारा जाए और कुछ ऐसा बनाया जाए तुरंत बन जाए, नॉट गुड, राइट? पर काम तो करेंगे। ये फ्री साइज का ब्लाउज है, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छा है। एक्चुअली मुझे ऐसा ना मल्टी कलर का एक ब्लाउज चाहिए था। मेरे पास ना जितने भी ब्लाउज हैं, या तो वो साड़ी के जैसे ही है, मतलब साड़ी में नहीं आता है ब्लाउज पीस, वो वाला मेरे पास है। तो वो फिर मुझे ना अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, मुझे कॉन्ट्रास्ट पहनने में ज्यादा अच्छा लगता है। जनरली मुझे अच्छा लगता है कि सारे साड़ी में मैं ब्लैक ही पहन लूं, तो खैर ब्लैक सब पे नहीं जाता है। तो मुझे लगा कि एक ऐसा ना मल्टी कलर मंगवाती हूँ। आप देख लीजिए कितना प्यारा है ये, इसमें ना सारे कलर है, पिंक है, ब्लू है, डार्क ब्लू है, येलो भी है, गोल्डन भी है, ग्रीन भी है, तो मतलब हर टाइप के साड़ी पे चल जाएगा ये। तो ये आ गया है फ्री साइज, तो मुझे इसको ना फिटिंग करवानी है। लेकिन मैंने दो ब्लाउज मंगवाया था, तो एक मेरा अटक गया है और अब मैं वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए, तो साथ में इसको मैं फिटिंग करवा लेती हूँ। तो दिवाली से पहले मैं चाह रही थी कि मेरे पास आ जाए। पता है इतना सुंदर ये ना, इतना ज्यादा चमक रहा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने कम कॉस्ट में आएगा, पर अब इसका वेट करना है मुझे। और एक और जीन्स मैंने कहा था ना कि आने वाला है मिंत्रा से, वो भी जीन्स आ गया, वो भी मुझे रिटर्न करना पड़ गया, वो भी अच्छा नहीं था, मतलब दोनों ही फिटिंग वेस्ट चले गए। अब इस वीकेंड को देखती हूँ, बाहर जाकर के कुछ ऑफलाइन ही शॉप करूंगी, क्योंकि मुझे जीन्स की जरूरत है। ये ऐसा था कुछ डिजाइन, अच्छा है नी, सारे कलर्स भी आ गए। और ना सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो हुक दिया हुआ है ना, ये देखिए इसका हुक में ये मेटल का दिया हुआ है, जनरली लोग धागे का देते है ना, तो ये ऐसा था। और पीछे के साइड में भी थोड़ा डीप नेक है, पर अच्छा है, पैडेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो मुझे ये सही लग रहा है, बस इसका साइज बड़ा है, अब उसको बस सेट करवा लूं। बहुत पता है, मुझे लग रहा है कि कम से कम 2.5-2.5 इंच मुझे हर जगह से ना टक करवाना पड़ेगा, देखते हैं। बाकी क्वालिटी तो अच्छी है दिखने में। साड़ी पे देखिए ये ब्लाउज कितना अच्छा लगने वाला है। ये नहीं मैंने प्लेन साड़ी लिया था मीशो से, तो इसको तो मैंने उस दिन वीडियो में ब्लैक ब्लाउज पे पहन के दिखाया था, तो मैंने ना इसको देखे कितना सही जा रहा है, एकदम से प्लेन वाला साड़ी है ये, तो ऐसा कुछ इसमें डिजाइन नहीं है। पर अगर ब्लाउज देखिए अच्छा ले लिया जाए ना, तो ये भी कितना डिजाइनर लग रहा है और कितना महंगा लग रहा है, तो ये बहुत सारे साड़ियों पर चल जाएगा। जैसे मुझे लग रहा है इस पे तो उतना नहीं चलेगा, लेकिन इस पे चलेगा क्या? इस पे भी नहीं चलेगा, ये इस पे चल जाएगा ना, पर इस पे नहीं चलेगा, इस पे ना बहुत ज्यादा ये बिजी डिजाइन हो जाएगा। फिर मेरे ख्याल से प्लेन वाले साड़ी पे चलेगा, फिलहाल तो इस पे अच्छा जा रहा है। सेंटर टेबल पे ऐसे ही रख दिया हुआ, अमेजोन वीडियो के लिए सब कुछ निकाला था और उसके बाद मन कर गया कि ऐसे सजा के रख देते हैं। वैसे भी अभी से लेके दिवाली तक, छठ तक तो अच्छा ही लगता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐसे ही रख दिया, ऐसे ही ये ना इस उल्ली के अंदर में सारे फूल को ऐसे मैंने भर के रख दिया है, बाद में अच्छे से सजाऊंगी। फूल यहाँ पे लगा करके ऐसे करके थोड़ा सा वहां पे पीछे लाइटिंग कर दी है, तो ये शाम को बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो लाइनिंग है ना, मतलब जो लाइट की दिखती है व्हाइट वाली, तो ये फ्लावर रखने से वो थोड़ा सा ढक जाता है, तो उतना भी वो खराब नहीं लगता। और इस तरीके से ऐसे करके सजा। आज हो गया है फ्राइडे, तो कल परसों इतने सारे काम सोच के रखे हैं ना कि मतलब आराम का टाइम ही नहीं है। सोच के लगता है कि वीकेंड आराम करेंगे, पर इस वीकेंड को टाइम नहीं है। एक तो संडे को मेरा प्लान है कि मैं दिवाली के लिए सफाई कर लूं, क्योंकि फिर उसके बाद टाइम मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि वीडियो शूट भी रहता है ना, तो फिर टाइम नहीं मिलता है। तो संडे को क्लीनिंग का घर का सोचा है, और सैटरडे को बाहर का काम है, जैसे टेलर का काम है, एक जगह और जाना है, जीन्स भी लेना है, और भी एक दो काम है। तो मतलब सैटरडे भी फुल बिजी, संडे भी फुल बिजी, उसके बाद से मंडे चालू। पर क्या करेंगे, पूरा वीक डे तो आप देखते हो इनको टाइम रहता नहीं है काम खत्म करने का। और ना मुझे एक वो लेनी है, वो नहीं बाटला के सीढ़ी आती है जो फोल्ड हो जाती है, वो हमारे पास है नहीं, अब तक जरूरत पड़ी नहीं, पर अब लग रहा है कि क्लीनिंग के लिए या कुछ ना कुछ काम के लिए ना जरूरत पड़ती है। अब जैसे बाहर में ना कपड़ा टांगने का जो वो लगाया है ना, जो सीलिंग से आ रहा है, कभी कभी क्या होता है ना उसकी रस्सी फंस जाती है, और फिर वो एकदम टॉप पे है, तो वहां पे रस्सी ठीक करने में इनको दिक्कत आ रही है, चेयर पे चढ़ के करना तो सेफ है नहीं। तो सोच रहे हैं कि अब वो ले लेते हैं सीढ़ी, अभी तक तो लिया नहीं।
लेके रखना का है वो भी एक सोचना पड़ेगा कि जगह चाहिए उसको। तो ऑनलाइन नहीं सोच रहे, ऑफलाइन सोच रहे, तो मैं इनको बोल रही हूँ कि अब आज जाकर के शाम को कहीं भी मिल जाएगा, सुपरमार्केट में मिल जाता है या किसी बर्तन की दुकान पे मिल जाता है, तो एक वो लाना बहुत जरूरी है वरना फिर दिक्कत आ जाएगी। तो वो भी एक काम, इस तरीके से मैं लिस्ट बना रही हूँ कि क्या 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 चीजें खरीदनी है, कब कब करना है काम, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल टाइम नहीं रहता है बाकी वीक भर में कुछ सोचने का, तो जो है वो वीकेंड ही है। तो ग्रिल करवा रहे हैं बैल्कनी में, 1.5 साल से तो करवाया नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया, पर अब टाइम आ चुका है कि करवा दिया जाए। तो मुझे ना व्यू ब्लॉक नहीं करना था क्योंकि फ्लैट है ये, तो ले दे के एक बैल्कनी ही ऐसी मिलती है जहां से आपको बाहर का नजारा, हवा, पानी, सनलाइट मिले। तो जो ये हमारा है ना यूटिलिटी, यहाँ पे तो आपने देखा हुआ खिड़की में मैंने पूरा ग्रिल करवा दिया, तो मुझे वो यहाँ पे नहीं करना था क्योंकि जो बड़ा सा व्यू है ना यही तो मेन है। तो इस बार ना हम लोग थोड़ा अलग टाइप का ग्रिल करवा रहे हैं, तो वो आ जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी फिर। अभी लगेगा, बोल रहा है 10 दिन तो लग जाएगा, तो आज ऑर्डर दिया है, आज उसने मेजरमेंट लिया है और अब वो बन के 10 दिन बाद आएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ ऐसा किया है कि व्यू भी ब्लॉक ना हो और सेफ्टी भी हो जाए हमारी, 1.5 साल से टाल दिया था तो अब टाइम आ चुका है। पर वो वाले बैल्कनी में अभी नहीं करवा रहे हैं क्योंकि वो ऐसे भी ना इंटरनल पड़ता है, मत घर की तरफ है बैल्कनी, तो वहां पे सिक्योरिटी का उतना इश्यूज है नहीं। इश्यूज पता है यहां भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत सारे 8-10 सिक्योरिटी गार्ड घूमते रहते हैं, सब कुछ ठीक है, चलता हुआ ये रोड है। लेकिन ना फिर क्या होता है, कहीं अगर बाहर जा रहे होते हैं ना, तो अगर कुछ दिन के लिए बाहर गए तो टेंशन रहता है घर का, तो वो टेंशन ना हो इसलिए बेटर है कि अब इसको करवा दिया जाए। और दिवाली का समय है, घर वगैरह क्लीन वगैरह हो ही रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ये भी आके जब करेगा, मान लीजिए कुछ पेंट का इश्यू आ गया या कुछ भी दिक्कत आ गई, तो वो लगे हाथों हम लोग वो काम भी करवा लेंगे, इसलिए अभी दे दिया उसको ऑर्डर। इसे अपने वाले वार्डरोब को मैं ऑर्गेनाइज करूंगी। क्या होता है ना, पहले मेरा ऐसा था कि ऑर्गेनाइज किया तो आराम से रहेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं, पर अब जो शूट रहता है ना, तो स्पेशली कुछ ना कुछ ज्वेलरी या कुछ ना कुछ चीजें निकालती हूँ, रखती हूँ, थकने के बाद मैं ठूस देती हूँ, तो वो खराब होता है। तो आज घर का काम नहीं है तो वो स्किप करती हूँ और थोड़ा बहुत चीजों को मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। यहाँ पे सारे खोल के ऐसे में रखती हूँ, चूड़ी पहनती हूँ, लाके यहाँ पे डाल देती हूँ, फिर कभी एक बार बैठ के ऑर्गेनाइज करती हूँ। अगेन ज्वेलरी का ही एक सेक्शन बना दिया है। पहले ना मैं यहाँ पे ज्वेलरीज नहीं रखती थी, पहले यहाँ पे पूरे में ना कपड़े ही रहते थे सिर्फ, और ये जो हैंगर है ना ये वाला, ये मैं इस साइड में टांगती थी। अब मैंने ऐसे दो मंगवा लिए, एक और खाली पड़ा है मेरे पास, इसको बाद में भरूंगी, यू नो होपफुल हूँ कि अगर और आएंगे तो यहाँ पे रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक पूरा ये डाल दिया है, एक यहाँ पे हैंगर भी है जिसमें कि मेरे कुछ एथनिक वेयर वाले हैं, और इस साइड में ना मैंने इस तरीके का एक डाल दिया है अगेन ऑर्गेनाइजर, ये मुझे गिफ्ट आया था, मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, उसमें ना मैं इस तरीके से हैंग करके रखती हूँ, तो जब भी मुझे कुछ छोटे वाले चाहिए स्टर्ट्स वगैरह तो वो यहीं पे पड़े रहे। पर ये भी मैं नहीं बोलूंगी कि ऑर्गेनाइज्ड है अच्छे से, बस ऐसे ही फेंके पड़े हुए हैं। पर हाँ, यहाँ होने से फायदा ये है ना कि मेरे को आराम से दिख जाता है, वरना ड्रॉअर में मैं रखती थी पहले। तो एक सेक्शन इसका बना दिया है, यहाँ पे हैंगिंग कपड़े कर दिए हैं, और इसके अंदर पार्सल ट्रे में भी डाल दिया है, और ये देखिए क्या हाल है, सारे जो भी पहन रही हूँ सब यहाँ पे डाल के रख रही हूँ। और नीचे के साइड में भी मैंने कुछ ज्वेलरी के ही सेक्शन दिए हुए हैं, और यहाँ पे ना वार्डरोब में पर्स रखा है मैंने, तो उसके लिए मैंने ऐसा शर्ट ऑर्गेनाइजर कर दिया है, जहाँ पे मैंने जो छोटे छोटे वाले होते हैं ना पर्स, वो यहाँ पे रखती हूँ मैं, तो मुझे ये ऑर्गेनाइजर अच्छे लग रहे हैं पर्स रखने के लिए। और कुछ ऐसे पर्स है जो यूज ही नहीं होते हैं, वो मैंने इसमें पैक कर दिया है, तो ये साड़ी वाला नहीं आता है, ये साड़ी वाला ही मैंने ऑर्गेनाइजर में डाल दिया है। और ना ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजर और है, देखिए मैंने एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि मुझे इसमें कुछ कुछ चीजें पैक करनी है, साड़ी और सूट वगैरह, तो वो भी मैं दिवाली क्लीनिंग के टाइम पे इसमें डालूंगी। कुछ अगेन मैंने रख दिए हैं ऐसे वाले सूट वगैरह जो मैं काफी फ्रिक्वेंटली पहनती हूँ, तो उस रूम में नहीं रखा है मैंने। चलिए इनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया जाए, फिलहाल ये थोड़ा सा मैसी दिख रहा है। Later. हमारे सोसाइटी में ना कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं, कुछ कपड़ों के और ज्वेलरीज के, पता नहीं क्या क्या, तो वही हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। चलिए आपको भी घुमाते हैं, कुछ पसंद आएगा तो शॉप भी करेंगे। चलिए ओके
इतने अच्छे कलेक्शन थे ना, मैंने यहाँ से अच्छी अच्छी शॉपिंग की है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। पता है इन लोगों के ना शॉप हुआ करते थे, पर इस पैंडमिक में ना इन लोगों का लॉस हो गया, दुकान बंद करना पड़ा। तो ये लोग ने यार ट्राई किया कि अलग अलग सोसाइटी जाते हैं, ऐसे स्टॉल लगाते हैं और सेल करते हैं। तो मतलब इस सिचुएशन में सबका अलग अलग लॉस हुआ है। एनीवेज तो मैंने तो यहाँ से अच्छी खासी शॉपिंग कर ली है और बोहनी करा दी है मैंने दो दो स्टॉल्स की। बहुत अच्छे कलेक्शन थे, पता है देखते ही मन कर गया। गए तो थे ये सोच के कि कुछ ना कुछ लेंगे, वो लोग आए हैं तो हेल्प हो जाएगी उनकी, पर पसंद इतना आ गया ना कि मजे से शॉपिंग की। और खाने का भी इंतजाम हो गया, तो खाना बनाने की टेंशन नहीं है, तो खाना भी आराम से हो गया, शॉपिंग भी हो गई, तो घर बैठे आज मेरा दिन बन गया। वैसे शाम को मुझे जाना ही है टेलर के पास, क्योंकि जो मैंने कुछ सूट पीसेस लिए हैं उसको मुझे सिलने को देना है। मैं आपको खाना खा के दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। इयररिंग्स लिया है अभी नीचे से, ये मुझे मिला है 120 रुपीज में। तो अच्छा डिजाइन लगा मुझे, ब्लैक कलर में और थोड़ा सा यहाँ पे सिल्वर कलर से भी डिजाइन दी हुई है। उसके साथ में मैंने ये नोज पिन लिया है, तो पियर्सिंग तो है नहीं मेरे नोज में, तो ये प्रेस पिन नहीं आता है प्रेस करने वाला, तो वो मैंने चार लिया। ये वाला ना नोज पिन मैंने बहुत पहले किसी वेबसाइट पे देखा था, तो मुझे मन था, सिर्फ ना मुझे 20 रुपीज का पड़ा, तो ईच 20 रुपीज। एलिफेंट है इसके ऊपर में, इस तरीके से आप ये दिया रख सकते हो, बहुत ही सुंदर। इसमें और भी कलर थे, ब्लू, येलो, पिंक, तो ये दो का सेट आया है, क्यूट है बहुत ही। इसमें वर्क कितना सुंदर किया गया है ना। फिर मैंने तीन यहाँ से शॉर्ट्स लिए हैं, तो 500 का मुझे तीन पड़ा है, तो एक ऐसे डार्क ब्लू में, एक इसमें थोड़ा सा जीन्स टाइप के कलर में, और एक ऐसे लाइट ब्लू में, और इसमें बहुत क्यूट सा ऐसे बियर मग बना हुआ है। तो 500 में थ्री है, तो घर पहनने के लिए सही लगा। उसके बाद ना मैंने यहाँ से सूट पीसेस ले लिए हैं दो, मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर सूट पीस है ना ये। क्वालिटी भी अच्छी है और दिखने में इतना ज्यादा प्यारा है। प्राइस मैं आपको बताती हूँ, पहले आप देख लीजिए। तो ये तो एक तो पूरे ब्लू कलर में है, और ब्लू में ना गोल्डन से ऐसे डिजाइन बनी हुई है। इसका ना मुझे यूनिक लगा कि इसका जो दुपट्टा और जो इसका पैजामा है ना, वो ऐसा फ्लोरेसेंट ग्रीन में है, तो ये कॉम्बिनेशन मुझे लगा कि बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ऐसा दुपट्टा है, सिल्क का है ये। और एक ये लिया है, कितना सुंदर इसका वर्क है, देखिए पूरा ही गोल्डन है। कैमरा पे तो ये कम गोल्ड लग रहा है, पर एक्चुअल में ना ये बहुत ही सुंदर सा शिमरी वाला गोल्डन है, और साथ में पिंक एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है, डिटेलिंग वगैरह सब अच्छी है। इसके दुपट्टा इतना सुंदर पिंक में है, और यहाँ पे भी देखिए ऐसा डिजाइन बना हुआ है, मतलब बहुत अच्छा, एक नजर में पसंद आ जाए ऐसा है इसका क्वालिटी भी और इसका लुक भी। और ये देखिए अंदर में ऐसा करके है, इसको मैं सिलवाऊंगी एक अच्छे डिजाइन में। मुझे अब देखना है कि किस डिजाइन में सिलवाऊं, पर ये परफेक्ट है। वैसे भी मेरी एनिवर्सरी वगैरह आने वाला है, तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। दिवाली तक अगर दे देता है टेलर, तो दिवाली में पहन लूंगी, उसके लिए भी अच्छा है। पर है ना सुंदर बहुत ज्यादा। तो ये दोनों ही मैंने एकदम ही अलग अलग कलर में लिए इसीलिए, और अलग अलग डिजाइन में लिया। तो कौन सा आपको दोनों में सबसे अच्छा लगा बताइए। मुझे ज्यादा अट्रैक्ट ये वाला कर रहा है, और सेकंड ये, दोनों ही अच्छे हैं वैसे तो क्या बोलूं, पर ये वाला ज्यादा मतलब रिच है दिखने में, और ये भी अच्छा है। इसका जो मटेरियल है ना, ये एवरीडे के लिए अच्छा है, मतलब कभी बाहर बाहर जाना हो, ये कभी कभी पहनने वाला है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही ये थोड़ा सा ना चुभेगा ऐसा वाला कपड़ा है, और संभल के रखना भी चाहिए। जितने भी कलेक्शन उनके पास थे, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, सारे ही इतने अच्छे थे ना कि मन कर रहा था सभी ले लूं। मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी, और लग रहा था कि मतलब प्रीमियम फैब्रिक, डिजाइन एकदम से, ऐसा कुछ भी नहीं था कि अरे हाँ ना ये बेकार है, नहीं सारे ही अच्छे थे। मुझे तो बहुत टाइम नहीं लगा, 10-15 मिनट लगे, मैं तो फटाफट चूज कर लिया। मुझे ना उतना टाइम नहीं लगता है ऐसे बाहर शॉप करने में, जो मुझे अच्छा लगा मुझे हाँ चलो ठीक है। पर हाँ बहुत अच्छे कलेक्शन थे, तो अच्छा हो गया घर बैठे बैठे शॉपिंग हो गई। तो मुझे ना ये दोनों ही ड्रेस मिलके पड़ा है 2300 रुपीज का, तो उन्होंने मुझे 2300 रुपीज ही कोट किया, और मैंने उतने में ही परचेज कर लिया। मुझे नहीं पता बाहर इससे सस्ता पड़ता या महंगा पड़ता या जो भी है, पर मुझे लगता है कि अगर वेंडर्स मतलब जो ये स्मॉल स्केल वाले हैं जिनका ऑलरेडी लॉस हुआ है, या फिर जो ऐसे अलग अलग जगह पे आके सेल करें ना, इनका भी कभी दुकान था सोचिए उनका कितना लॉस हुआ है कि उनको ऐसे सोसाइटी में आकर के सेल करना पड़ा है। फुल डे सेल करेंगे फिर जाके मुश्किल से 4 या 5 लोग लेंगे, तो उतना प्रॉफिट है नहीं। तो इसलिए ना मुझे 500 रुपए का ना मोल भाव मैं करती ही नहीं हूँ, क्योंकि देखिए जब हम ब्रांड के कपड़े लेते हैं या मॉल में लेते हैं, तो क्या वहां मोल भाव करते हैं, कोई स्कोप होता है? नहीं होता है। पर जब हम लोकल वेंडर से लेते हैं तो हम जरूर करने लग जाते हैं, 100 रुपए कम कर दो, 50 रुपए कम कर दो, जबकि उनका प्रॉफिट मार्जिन ही उतना नहीं रहता है। तो वो मुझे आता भी नहीं है और अच्छा भी लगता नहीं है, तो मैंने तो बार्गेन बिल्कुल नहीं किया, जितना बोला उतना दे दिया। पर मुझे नहीं पता बाहर का क्या रेट है, पर अच्छा लगा, खुश हूं मैं।
और मजा आया शॉप करके। एनीवेज तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा, मुझे तो वो लगा है गोल्डन वाला। और देखते हैं सिलवाती हूँ, डिजाइन सोच रही हूँ क्या सब करूँ, कैसा सिलवाऊं, और आज ही जाऊंगी, आज ही जाना पड़ेगा देने के लिए, वरना दिवाली तक वो देगा नहीं। पता है आज भी डाउटफुल है कि देगा कि नहीं, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, पर बात करते हैं, एटलीस्ट एक दे दे तो मैं दिवाली में पहन लूँ, एक एनिवर्सरी में पहन लूँ, जो भी होगा जाएंगे शाम को और करवाने जाऊंगी इसको सिलाई, देखते हैं। एनीवेज आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो, मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियोज को देखते रहिए, बाय बाय। मैंने ना व्लॉग एंड कर दिया था, फिर मैंने ये नोज पिन पहना तो सोचा आपको दिखा देती हूँ कि कैसा लगता है मुझ पर, कभी भी मैं पहनती नहीं हूँ और ये पहन के थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, आदत नहीं है ना। और पता है जब आप नहीं पहनते हो ना नोज पिन, तो ये नाक का ये वाला पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है, तो वो डालने में भी थोड़ा सा पेन कर रहा था, मैंने प्रेस किया तो लाल हो गया, ये कह रहे नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि आदत नहीं है ना देखने की, पर ये ऐसा कुछ दिख रहा है, कैसा लग रहा है आप बताइए मुझे। ठीक ही है, छोटे वाले तो फिर भी ठीक है, वो बड़ा वाला पता नहीं कैसा लगा, मैंने एक्साइटमेंट में ले तो लिया है, पता है दूसरों पे मुझे अच्छा लगता है, जिन्हें देखती आ रही, जैसे मामी लोग पहनते हैं, मौसी पहनते हैं, पर खुद पे पता नहीं, पर ठीक है कभी कभी सूट पे पहन लेंगे घर में क्या। वैसे मेरे इस वाले इयररिंग्स के साथ में ये अच्छा ही जा रहा है, ऑक्सीडाइज है तो अच्छा ही जाएगा, गोल्ड वाला पता नहीं कैसा लगेगा मुझ पे, पर ये वाला ठीक है। कैसा लाल हो गया देखिए, अजीब सा, और मुझे खुजली भी हो रही है, कैसे पहनते हो आप लोग। एनीवे चलिए यही दिखाने के लिए मैंने फिर से कैमरा ऑन किया था, मिलती हूँ अगली बार, बाय बाय।